नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया के बारे में। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा है उनके दिल और दिमाग में बस यही चल रहा है कि उनका पैसा कंपनी से कब वापस मिलेगा। इस पूरे मामले में सहारा इंडिया परिवार पर बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में सहारा इंडिया ग्रुप पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। कंपनी पर पैसा दोगुना करने का आरोप लगा है। पैसा निकासी का जब समय सीमा पूरा हो गया उसके बाद भी कंपनी ने अपने निवेशकों को पूरा पैसा नहीं लौटाया। ऐसे में बिहार के साथ साथ पूरे देश में एक तो मुकदमा दर्ज है, साथ ही साथ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी पिछले दिनों देखने को मिला है। ताज़ा मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहां निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। बताया गया है कि करीब 30 करोड़ रुपया इन लोगों ने कंपनी में जमा किया था, लेकिन कंपनी की तरफ से एक भी रुपया उन्हें लौटाया नहीं गया है। ऐसे में तंग आकर निवेशकों ने फुलवारी शरीफ थाना में शिकायत दर्ज किया है। इस दौरान बहुत संख्या में लोग वहाँ उपस्थित रहे। निवेशकों ने कंपनी के मालिक सुब्रत राय, विपुल कुमार, केसरी किशोर और कविंद्र कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 30 करोड़ से भी अधिक की राशि कंपनी के पास जमा है, लेकिन कंपनी लौटाने का नाम नहीं ले रही है। इस निवेशकों का कंपनी के पास पिछले 10 सालों से पैसा जमा है, लेकिन कंपनी के पास से पैसा निकल ही नहीं रहा है। सहारा इंडिया में लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भविष्य को ध्यान में रखते हुए जमा किया था, ताकि बाद में समय पर उन्हें इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कंपनी के पास वे अपना पैसा जमा कर रहे हैं वह एक फ्रॉड है, जो कि पैसा हमसे तो ले रहा है लेकिन पैसा लौटाने के नाम पर फिर से उसी पैसे को जमा करने को कह देगा, ताकि उनका पैसा कंपनी में ही रह जाए। आइए अब समझते हैं कैसे यह मामला पूरा फंस गया है। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है साल 2009 और 2010 में, जब सेबी को सहारा के खिलाफ 2 शिकायतें मिली, जिसमें यह बताया गया कि सहारा गलत तरीके से आम लोगों से पैसा जुटा रही है, यही कि पैसा जमा कर रही है। इन शिकायतों के बाद सेबी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। सेबी को जांच में यह भी लगा कि इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच की शुरुआत कर दी गई। इस दौरान सेबी को जो हाथ लगा उसमें SIRECL और SHICL के OFCD के द्वारा करीब 2.5 करोड़ निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके थे। ऐसे में सेबी ने इन दोनों कंपनियों से पैसा जमा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि वह निवेशकों के पैसे को 15% ब्याज के साथ लौटा दें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने सहारा इंडिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जिसके बाद सहारा इंडिया ने बैंक अकाउंट और उनकी संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। सुब्रत राय सहारा पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद सहारा इंडिया पूरी तरह से इस मामले में फंस गया। इस दौरान सेबी निवेशकों का पता नहीं लगा और जब सहारा समूह की कंपनी भुगतान करने में विफल हो गई तो सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा। हालांकि बाद में सहारा ने सेबी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके निवेशकों का 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा है। अप्रैल 2018 में सेबी ने कहा कि जुलाई 2018 के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में सहारा आरोप लगा रहा है कि हमारा पैसा सेबी के पास है और सेबी का कहना है कि आप उन पैसों का प्रूफ दीजिए, हम पैसा आपको लौटा देंगे। लेकिन इन सब के बीच में पीस रहा है वह निवेशक, जो कि कड़ी मेहनत से भविष्य के लिए पैसा जुटाया था, लेकिन अब वह भी पैसा उन्हें तय समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में निवेशकों को इस बात की इच्छा है कि मेरा पैसा कब मिलेगा। इस पूरे प्रकरण को लेकर मोदी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपये इकट्ठे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सहारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए जमा किए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब बस एक ही बात समझ में आती है कि पूरा पैसा का मामला जो है सहारा इंडिया परिवार, सेबी, सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट में मामला अटका हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में पीस रहा है तो वह गरीब आदमी, वह मध्यम वर्गीय परिवार, जो कि अपनी कड़ी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा
सहारा इंडिया परिवार में जमा किया था ताकि उसके भविष्य में वह खुशहाल जीवन जी सके, अपने कोई बड़े काम जो है वो कर सके, लेकिन उनका पैसा अभी भी सहारा इंडिया के पास फंसा है। ऐसे में कोर्ट भी किसी कोई खास डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही सेबी जो है पैसे सहारा को दे पा रहा है और ना तो सहारा जो है ये हवाला लगातार दे रहा है इस बात का कि हमारे पैसे तो सेबी के पास हैं, और सेबी कह रहा है कि आप उन पैसों का एक प्रूफ दिखाएं ताकि हम जो है उन पैसों को आपको लौटा सके। इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पिसता जा रहा है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।